भारत के पूर्व ऑलराउंडर इरफान पठान शुरुआती लंका प्रीमियर लीग में स्टार खिलाड़ियों में से एक हो सकते हैं। वो उन 70 विदेशी खिलाड़ियों में शामिल हैं जिन्होंने 28 अगस्त से शुरू होने वाली इस प्रतियोगिता में भाग लेने में दिलचस्पी दिखाई है। सूत्रों की माने तो पठान को प्लेयर ड्राफ्ट में रखा जाएगा जब तक 5 में से एक फ्रेंचाइजी उन्हें मार्की खिलाड़ी के रूप में नहीं चुनती। दरअसल इसके मुताबिक ड्राफ्ट और फ्रेंचाइजी मालिकों की जानकारी की घोषणा अंतिम रूप देने के बाद ही की जाएगी। श्रीलंका क्रिकेट सरकार ने कुछ मंजूरी मिलने का भी इंतजार कर रहा है जिसके बाद ही फ्रेंचाइजी मालिकों पर फैसला होगा। 5 फ्रेंचाइजी कोलंबो, कैंडी, गाल, दाम्बुला और जफाना का प्रतिनिधित्व करेगी। रिपोर्ट्स के अनुसार भारतीय क्रिकेट बोर्ड सक्रिय भारतीय खिलाड़ियों को विदेशी टी20 लीग में भाग लेने की अनुमति नहीं देता, लेकिन 35 साल के पठान पहले ही संन्यास ले चुके हैं जिससे उन्हें इसके लिए मंजूरी दे दी गई है। श्रीलंका के ऑलराउंडर फरवेज महरूफ ने इस साल जनवरी में संन्यास की घोषणा करने वाले पठान का नाम ड्राफ्ट में शामिल करने की पेशकश की थी। दोनों के बीच सोशल मीडिया पर मजाक या छेड़छाड़ के बाद महरूफ ने ऐसा किया था। दरअसल आपको बता दें, श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने सोमवार को अपनी कार्यकारी समिति की बैठक के दौरान टूर्नामेंट को अपनी मंजूरी दे दी है। बोर्ड ने बयान में कहा कि 23 लीग मैच 4 अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम आर प्रेमादास अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, रंगिरी दाम्बुला अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, पल्ले केल अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम और सूर्या बेबा महिंदा राजपक्षे अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम खेले जाएंगे। इसमें कहा गया कि कोलंबो, कैंडी, गाल, दाम्बुला और जफाना के नाम की 5 टीमें हिस्सा लेंगी। पूर्व भारतीय ऑलराउंडर युवराज सिंह ने पिछले साल अबू धाबी में टी20 लीग में मराठा अर्बियंस का प्रतिनिधित्व किया था। खैर, आपकी क्या राय है हमारे कमेंट बॉक्स पर मेंशन करना ना भूलें। LD न्यूज रूम की रिपोर्ट।